रेवंत रेड्डी के सरकार ने आज हम पूरे जितने भी बेरोजगार युवक है वो सब लोगों के ऊपर पुलिस वालों के जरिया बहुत बड़ा हमला किया। हम सब लोगों को मारते मारते हमको यहाँ बनलगुड़ा में आके अरेस्ट कर दिया। तो हम इसीलिए हम लड़ाई कर रहे थे कि वो भी दस्तूर के मुताबिक कानून के मुताबिक हमने पीसफुल लड़ाई कर रहे थे कि हम जीवो 29 को निकालना और जीवो 55 को इम्प्लीमेंट करना। जीवो 29 का प्रॉब्लम क्या है बोले तो जीवो 29 अगर लागू किए तो तेलंगाना में एससी एसटी बीसी मुस्लिम माइनॉरिटी क्रिश्चियन माइनॉरिटी जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ये सब लोगों को ओपन कैटेगरी में जॉब्स नहीं आते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और बहुत सारे दस्तूर में लिखा हुआ है क्लियरली आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 में क्लियरली लिखा हुआ है ओपन कैटेगरी में सब लोग सब समाज के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिसके पास मेरिट है वो सब लोग ओपन कैपिटल में कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन आज रेवंत रेड्डी बोल रहा है तुम एससी है तुम एससी कोटा में आना, बीसी है बीसी कोटा में आना, माइनॉरिटी है माइनॉरिटी कोटा में आना, एसटी है एसटी कोटा में आना, लेकिन ओपन कैटेगरी में सिर्फ अपर कास्ट लोगों को है करके रेवंत रेड्डी बोल रहा है। वो आपका दस्तूर के खिलाफ है, वो कानून के खिलाफ है, गैर कानूनी चीज है, उसको मिटाना करके आज पूरे तेलंगाना में हम पूरे बेरोजगार युवक और जितने भी छात्र है वो सब लोग संघर्ष कर रहे। भारत राष्ट्र समिति के जरिए हम भी वो लोगों को सपोर्ट कर रहे और कल भारत राष्ट्र समिति के सपोर्ट के वजह से जितने भी बेरोजगार युवक है वो सब लोग सुप्रीम कोर्ट तक, क्योंकि हाईकोर्ट में इंसाफ नहीं मिला इसीलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट जाके और जाने माने वकील है कपिल सिब्बल साहब को रिक्वेस्ट किया एक बार हमारा इंसाफ दिलवा दीजिए करके, बोले तो मंडे के दिन ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ के बेंच पे ये आने तफ्तीश के लिए आने वाले हैं। देखेंगे क्या होता है। और मैं सब तेलंगाना वालों से एक ही गुजारिश करता हूँ, जीओ 29 जब तक रहता तब तक गरीब लोगों को ओपन कैटेगरी में चांस नहीं मिलता। सरकार अगर अकल है तो सख्त जीवो 29 को मिटाना चाहिए और जीवो 55 जो है 55 को फिर वापस लाके लागू करना चाहिए। जय तेलंगाना।